तो गाइस वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखो। जब सीएम पंक अपना रिटर्न किए थे ना, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ताका छाकी करते हुए दिखाई दिए ट्रिपल एच। तो गाइस फाइनली ये बात भी रिवील हो चुका है कि सर्वाइवल सीरीज मैच में कौन जीतने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊंगी कि आखिरकार कौन विनर होगा और कौन लूजर होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्वाइवल सीरीज में टोटल 4 मैच या 5 मैच बुक हो चुके हैं। एक तो ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के बीच वॉर गेम होने वाला है। वही वुमेन्स डिवीजन के बारे में बोलूं तो टीम ली मॉर्गन वर्सेस टीम रिया रिप्ली के बीच वॉर गेम होने वाला है। और हमें सिंगल मैच भी देखने को मिलेगा गुंथर वर्सेस जैमन प्रिश के बीच, वो भी वर्ल्ड टाइटल के लिए। आफ्टर दैट ब्रॉन बेकर वर्सेस सेमस वर्सेस लुडविक काइजर का भी मैच फिक्स हो गया है कि होगा आईसी टाइटल के लिए। देन लास्ट मैच के बारे में बोलूं तो एलन नाइट वर्सेस सिस्के नाकामुरा के बीच मैच होगा यूएस टाइटल के लिए। तो इस बार टोटल 5 मैच होने वाले हैं। मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं ओजी ब्लडलाइन वर्सेस न्यू ब्लडलाइन मैच देखने के लिए। स्पेशली रोमन फाइट कर रही है, ये सबसे स्पेशल बात है मेरे लिए। और फिलहाल आप लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो ना, आखिरकार सर्वाइवल सीरीज में रोमन रिंग्स जीतने वाले या हारने वाले हैं। तो मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, मैच हुआ भी नहीं है, उससे पहले रिजल्ट आउट हो चुका है। और गाइस इतना ज्यादा हाइप है तो आप लोग भूलना मत कि 30th नवंबर को हमें मैच देखने को मिलने वाला है। और हाँ, मैं ट्राई करूंगी इस शो में आप सबको लाइव दिखाने का, जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं दिखा दूंगी उतना मैचेस को। तो आप लोग भी ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक होने वाले हो कि सोलो सिकोवा का ब्लडलाइन ये जीतने वाला है इस बार। और अगेन हमारे रोमन रिंग्स हारने वाले हैं। पता है इनको हराने के पीछे तीन तीन बंदे का हाथ होगा। रोमन रिंग्स को तो 3 सुपरस्टार धोखा देने वाले, तीनों में से कोई एक देगा, या तो सेथ रॉलिंस बोलो, द रॉक बोलो, सीएम पंक या पॉल हेमन, इन चारों में से कोई ना कोई धोखा देने वाला है रोमन रिंग्स को 110%। मुझे लग रहा है अभी रोमन रिंग्स सब पे कुछ ज्यादा ही क्रश कर रहे हैं। रोमन रिंग्स अगर दिल से ना सोच कर अगर दिमाग से खेलेंगे तो शायद जीत सकते हैं, बट चांसेस कम है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक और मैच को लेके, काफी ज्यादा हाइप है और काफी ज्यादा पोटेंशियल बढ़ चुका है कि हमें डेफिनेटली रॉक वर्सेस रोमन का मैच देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 41 में। यार देखो इस बार भी हो जाए तो काफी अच्छा होगा, वरना रेसलमेनिया 42 में आपको डायरेक्ट इनका मैच देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, जो कि WWE में अभी काफी अच्छा रोल निभा रहे हैं। शायद आपको भी याद होगा कि आज से 3 साल पहले सीएम पंक ने अपना रिटर्न किया था। मैं तो सीएम पंक को लेके काफी ज्यादा खुश हूं कि फाइनली सीएम पंक रोमन ने इसके साथ है अभी। पता है मुझे पहले से ही सीएम पंक और रोमन रिंग्स का बॉन्डिंग काफी ज्यादा ही क्यूट लगता था। नेक्स्ट आगे बात करते अपने पांडा यानी कि रोमन रिंग्स के बारे में। यार रोमन रिंग्स इसलिए मुझे इतने ज्यादा पसंद है क्योंकि चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी बता दे रही हूं। आप लोग भी मेरे से बहुत कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, व्हाई यू लव रोमन रिंग्स सो मच इंस्टेड ऑफ कॉडी रोड्स। तो देखो इसका एक ही फंडा है, हमें रिसेंटली देखने को मिला था रोमन रिंग्स जब अपना फर्स्ट टाइम मैच लड़ रहे थे ना WWE में। तभी एक बी फेम करके लेडी आई थी WWE में और वो उतनी फेमस भी नहीं थी, वेल नोन भी नहीं थी, बट स्टिल रोमन रिंग्स तभी काफी अच्छा कर रहे थे। और आज से काफी साल पहले उस टाइम रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, तो रोमन रिंग्स में एटीट्यूड होना चाहिए था ना। बट गाइस मैं बोल रही हूँ, जनरली बोल रही हूँ कि रोमन रिंग्स में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था। जब रोमन रिंग्स उस लड़की से फर्स्ट टाइम मिले थे तभी उनको काफी ग्रीट कर रहे थे और उनसे अच्छे से बात भी की और ये भी बोले कि तुम अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारा करियर काफी ज्यादा ग्रो होगा। यार ऐसा बंदा अगर किसी के रियल लाइफ में भी आ जाए तो कितना अच्छा होता है ना, वैसे मिलते नहीं है आजकल ऐसे बंदे। यार मेरा भी यही मानना है कि अगर आप किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकते तो टाइम पास भी मत किया करो। नेक्स्ट आगे बात करते द रॉक के रिटर्न के बारे में, इनको लेके तो काफी ज्यादा हाइप है कि द रॉक सर्वाइवल सीरीज में ही आने वाले हैं और आते ही वो रोमन रिंग्स को फेस करेंगे। आपको याद है ना कि बैड ब्लड में वो कैसे आए थे, गेस्चर दिखाए थे और चले गए थे। इनफैक्ट सोलो सिकोवा तो एक बात भी बोले थे कि इट जस्ट पार्ट ऑफ प्लान व्हेन द रॉक रिटर्न एट बैड ब्लड। देखो ना अभी सोलो सिकोवा से दो दो मेंबर का मुझे पर्सनली कनेक्शन लग रहा है, एक तो द रॉक हुए दूसरे पॉल हेमन हुए, यानी कि ये दोनों का दोनों बंदा रोमन रिंग्स को फ्यूचर में धोखा देने वाले हैं। आगे बात करते हैं, देखो ना अभी अभी WWE में हमें धमाका ही देखने को मिलने वाला है, 3 एकदम धमाकेदार शो देखने को मिलेंगे। एक तो 30th नवंबर को होगा सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम का मैच, दूसरा मैच होगा 7 दिसंबर को NXT का, देन उसके बाद 14 दिसंबर को सैटरडे नाइट मेन इवेंट का मैच होने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फाइनली हमें ये बात पता चला था कि रोमन और पंक आने वाले स्मैकडाउन में, और दोनों जब आएंगे ना तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आगे बात करते हैं चेको फाटू के बारे में, तो गाइस चेको फाटू को लेके खुशखबरी वाली बात है कि फाइनली फर्स्ट टाइम WWE प्रोडक्शन ट्रक में चेको फाटू का पोस्टर लगा हुआ है। यार ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस लगता है ना, मुझे देख के डर लगता है इसको। WWE में एक दो सुपरस्टार थे जिनसे मुझे पर्सनली काफी ज्यादा डर लगता था,
एक तो मैं चेको फाटू से डरती हूँ, दूसरे अंडरटेकर अगर मुझे इनके सामने खड़ा कर दिया तो मैं तो खड़ी भी ना रह पाऊँ। नेक्स्ट आगे बात करें, अभी WWE काफी अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, आप देख लो ये स्टोरी लाइन अभी बेस्ट चल रही है WWE में, स्पेशली रोमन रिंग्स वाला तो मुझे बेस्ट लगता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जय उषा और सैमी शन के बारे में। दोनों WWE के एक ऐसे रेसलर है जिन्होंने 3 times मेंस वॉर गेम मैच कंप्लीट किया, वो भी मेन रोस्टर में, और करेंटली दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं, सैमी शन और जय उषा दोनों। और आप बोल सकते हो करंट टाइम में दोनों की बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिमी उषा भी इनके ग्रुप में आ गया तो वो भी अभी काफी अच्छे से लीड करने वाले हैं पूरे टीम को। रोमन रिंग्स ऑब्वियसली है सबका हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बोरी यानी कि कॉडी रोड्स के बारे में। कॉडी रोड्स को हराने वाले 3-4 बंदे का नाम आया है जिन्होंने कॉडी रोड्स को पिन किया है जब से वो लोग रिटर्न किए। एक तो रोमन रिंग्स है, ड्रू मैकइंटायर, द रॉक है, सोलो सिकोवा है, और अभी केविन ओवेंस का भी नाम हाईलाइट हो रहा है कि वो भी कॉडी रोड्स को पिन करने वाले हैं। फिलहाल तो सभी को यही बोल रहे हैं कि केविन ओवेंस ही कॉडी रोड्स को हराने वाले और उनका चैंपियनशिप अपने पास रखने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं WWE में एक और कॉम्बो को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, वो है ब्रोशन रीड और चेको फाटू। यार ब्रोशन रीड और चेको फाटू को एक टीम में नहीं डालना चाहिए था, ओपोनेंट रहते ना तो सोचो कितना मजा आता देखने में। जस्ट फॉर अजम्पशन अगर ब्रोशन रीड रोमन रीन्स के ग्रुप में रहते, वही अपोजिट साइड में सोलो सिकोवा के ग्रुप में चेको फाटू होते तो ब्रोशन रीड और चेको फाटू का मैच देखने में कितना मजा आता ना, लगता कुछ तगड़ा होने वाला है। अभी देखो अभी मुझे तो लग रहा है सोलो सिकोवा का ही ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना का इस बार रॉयल नंबर सबसे बेस्ट होने वाला है उनकी लाइफ का, और जॉन सीना सबका रिकॉर्ड भी जीत जाएंगे और रॉयल नंबर का मैच भी जीतने वाला है, ये तो श्योरिटी पक्का ही है। और आगे बात करते हैं दिरॉक के बारे में। दिरॉक को भी लेके यही न्यूज आ रहा है कि हो सकता है कि दिरॉक भी पार्टिसिपेट करे इस बार के रॉयल नंबर मैच में, और उनका भी हो सकता है कि कुछ पार्ट दिखाया जाए या कोई रेसलर के साथ फाइट हो। वैसे गाइस आपका क्या ओपिनियन है, अगर दिरॉक रॉयल नंबर में फाइट करेंगे तो उनका ओपोनेंट कौन होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बात करते हैं रोमन रिंग्स के बारे में। अभी रोमन रिंग्स सबका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। रिसेंटली रोमन रिंग्स अपना एक पॉडकास्ट दिए थे जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि मेरा और डीन एम्ब्रोस का बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छा था जब हम लोग एक साथ शील्ड में थे तो। और आगे रोमन रिंग्स ये भी बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ हैंग आउट करते थे, बियर पीते थे, मतलब हम लोग काफी ज्यादा चिल आउट करते थे मैच के बाद भी। तो अभी रोमन रिंग्स काफी ज्यादा मिस करते उस मोमेंट को। ये बात तो है, करंट टाइम में फ्रेंड्स लोग के साथ ही ज्यादा मजा आता है, शील्ड ऑफ हैविंग अ पर्सन यू लव देम। आगे बात करते रोमन रिंग्स ये भी बोले कि दिस शील्ड भी काफी अच्छा था, दोनों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और रोमन रिंग्स ये भी बोले भले ही मैच में हम लोग फाइट कर ले बट उनके लिए एक अलग ही लव और रेस्पेक्ट रहने वाला है दोनों बंदे के लिए। और लास्ट में रोमन रिंग्स ये भी बोलते हैं कि ब्रदरहुड इज फॉरएवर। वैसे गाइस मैं पर्सनली चाहती थी कि एक बार फिर से दिस शील्ड फॉर्म हो जाए बट होगा नहीं। और दिस शील्ड इसलिए भी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि अभी रोमन रिंग्स पसंद नहीं करते सेथ रॉलिंस को, वो ये बोलते हैं कि वो मेरे टीम में ज्वाइन नहीं हुआ है। और आज का लास्ट टॉपिक के बारे में बोलूं तो अंडरटेकर ने रिसेंटली बोला कि वो बटिशा को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। भले इन लोगों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस होता है बट अंडरटेकर को पसंद है बटिशा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरे कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शुरू करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।